मोबाइल को तो कैसे आप लोग ठीक में जागी में साथ है हमारा हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स तो कैसे हैं आप सबको वादा से प्यार से सलाम। तो गाइस आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी जबरदस्त किस्म का वीडियो देख रहे हैं आपके लिए और ये वीडियो है टॉप 10 इंडियन मिलिट्री बेसिस इन आउटसाइड ऑफ इंडिया और इन आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब यह कि आउटसाइड ऑफ इंडिया इंडिया की कौन सी ऐसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बेसिस है तो ये हम देखेंगे कि इंडिया की भी बेसें हैं जो बाहर है कंट्री से जैसे कि अब जापान ने इंडिया को अपनी मिलिट्री बेस बना दी है वो तुम जो पता है तो इस तरह और कौन कौन सी कंट्रीज हैं कौन कौन जगह है जहाँ मिलिट्री बेस है तो देखेंगे अब आप जैसे बात करेंगे तो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। अगर आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको SSB OIR की कॉपी लेनी चाहिए ताकि आप अपने स्क्रीन इन होने के चांसेस बढ़ा सको और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन, मेरा नाम करण अरोड़ा है और आज का हमारा टॉपिक है 10 इंडियन मिलिट्री बेस आउटसाइड इंडिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ को हमारी कंट्री में आर्म फोर्सेस के क्रिटिकल मिलिट्री सपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रूशियल इंडियन मिलिट्री के बारे में जो हमारी कंट्री के बाहर लोकेट करती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों हमने 10 इंपॉर्टेंट कंट्रीज की लिस्ट बनाई है तो एक एक करके आपको मैं सारों के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भूटान के बारे में। कंट्री अपनी बाउंड्रीज 3 साइड से शेयर करती है और इंडियन डिफेंस फोर्स कंट्री को गार्ड करती है किसी भी थ्रेट से, चाहे एयर से हो या लैंड से हो। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम परमानेंटली लोकेट करती है वेस्टर्न भूटान में। अब नंबर 2 की बात करते हैं जो है नेपाल। नेपाल के साथ हमारी कंट्री का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और रिटर्न में हमारी कंट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है नेबरिंग कंट्री को। इंडिया ने ये भी क्लेम किया है कि कोई भी अटैक अगर नेपाल पे होगा तो वो काउंट होगा एज अटैक ऑन इंडियन टेरिटरी। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हम दोनों कंट्रीज का। इंडियन एयरफोर्स के पास एक एयर स्ट्रिप है सुरखेत में जो एयरबॉर्न थ्रेट्स के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो नंबर 3 पे है अब मालदीव्स। मालदीव्स इंडियन नेवी सिक्योरिटी होल्ड के अंडर है जो नेबरिंग कंट्री के वाटर को मॉनिटर करते हैं। पायरेसी थ्रेट वाटर्स में कोस्टल सर्वेलेंस रडार स्टेशन की वजह से सिक्योर्ड है। और अब बात करते हैं वियतनाम की। दोनों कंट्रीज के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वियतनाम ने इंडिया को साउथ चाइना सी में अपनी नेवल प्रेजेंस के लिए इनवाइट किया है थ्रू एक्सेस टू दी कैम रेन बे नेवल एंड एयरबेस। और अब बात करते हैं तजिकिस्तान की। फारखोर एयरबेस पहला ओवरसीज बेस है इंडिया में। ये इस्लामाबाद से 15 मिनट की दूरी पे है। ये एक ऑफिशियल फॉरेन बेस है इंडिया का और इसको ऑपरेट रशिया के साथ किया जाता है। आईनी बेस इंडियन हेलीकॉप्टर को भी होस्ट करता है। और नंबर 6 पे बात करते हैं मडागास्कर। नॉर्दर्न मडागास्कर में मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप इसलिए किए गए ताकि इंडियन ओशन में शिप की मूवमेंट पे नजर रख सके। बाकी नेवी ऑपरेशन की खुफिया जानकारी कलेक्ट करने के लिए 2007 में इंडियन नेवी का लिसनिंग पोस्ट स्टार्ट हुआ था। नंबर 7 पे बात करते हैं सेशेल्स की। सेशेल्स गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे इंडिया एक एसेंशियल रोल प्ले करता है पायरेसी के अगेंस्ट लड़ने में। बॉर्डर्स की सेफ्टी के लिए इंडिया इनको सपोर्ट करता है चॉपर्स और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करके। अब लिस्ट में नंबर 8 पे है कतार। इंडिया ने अपने मिलिट्री एसेट्स के थ्रू कतार को 2008 में एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट किया था। नेवी इंडियन फोर्सेस की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और सी का फ्री एक्सेस इंडियन नेवी को ग्रांट किया गया है। लिस्ट के नंबर 9 पे है ओमान। ओमान पहला गल्फ नेशन है जिसका इंडिया के साथ फॉर्मलाइज्ड डिफेंस रिलेशनशिप है। ओमान ने 2008 में इंडिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इंडियन नेवी के पास ओमान में बर्थिंग राइट्स हैं और एडन की गल्फ में एंटी पायरेसी ऑपरेशन करने के लिए ओमान के पोर्ट बेसिस को यूटिलाइज किया गया है। इंडियन नेवल एयर बेस मस्कैट में है। और आखिरी लिस्ट में नंबर 10 पे है मोजम्बिक। इंडिया और मोजम्बिक का एक बहुत अच्छा मिलिट्री टाई है एक दूसरे के साथ। इंडियन नेवी ने 2003 में अफ्रीका यूनियन समिट के टाइम और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट के टाइम मोजम्बिक की सी सिक्योरिटी संभाली थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपको डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन का इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो करना चाहिए जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मोटिवेशन अपडेट्स न्यूज एंड एग्जाम नोटिफिकेशन मिलेगी।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक पे जरूर क्लिक करना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो। तो भाई बड़ी जबरदस्त बात है, और मैं काफी हैरान हूँ कि बहुत सी कंट्रीज में जो है ना अपनी बेस दी हुई है, ठीक है, अपनी जगह दी हुई है वो बेस बनाने के लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है। और अब तो एक बड़ी कंट्री और है जापान, जापान ने भी इंडिया को सपोर्ट की है। हाँ, जापान ने एक हाथ दो एक हाथ लो वाले काम के साथ सपोर्ट की है जी, ठीक है, वहां पर आके काम करेंगे आप, यहाँ पर आके आप वो आपको सुविधा, वो इंडिया को मेरे ख्याल से मतलब सामान वगैरह भी देंगे, खाने पीने का ये वो, मतलब मिलिट्री बेस पे जो जो चीजें होती है वो सारा कुछ मिलेगा। तो अगर जापान को जरूरत पड़ेगी तो इंडिया भी देगा। हाँ ऐसे ही वो ऐसा कुछ सीन है। इसके अलावा और भी मेरे ख्याल से कंट्रीज होंगी जिनकी हेल्प अब ज्यादा है। नहीं, अभी अभी ये बंदी कब की वीडियो होगी, इस हिसाब से तो बहरहाल अभी भी 10 कंट्रीज तो दिखाई है भाई। इनके बारे में मुझे पता था, नेपाल के बारे में मैं सुन रहा हूँ कि शायद नेपाल की आजकल हो रहा है इसको। हाँ, नेपाल की तो आजकल मुझे लगता है थोड़ी सी, बस अब नेपाल को निकाल के बीच में जापान को ले। हाँ, मैं हालांकि सबसे ज्यादा बॉन्डिंग भी नेपाल की बता रहे हो, ठीक है, लेकिन नेपाल की आजकल थोड़े से जो है ना जिसे कहते हैं अनबन चल रही है, चल रही है था वो जरा चाइना के पक्ष में आ गया जरा, मैं चाइना के अब अंदर वाली बात क्या है जिसका मैं नहीं पता, लेकिन लेकिन ऐसी है। तो अब देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है, कौन सी कंट्री किसके साथ है। सही बात, ये अगले एक दो साल में पता लग जाएगा और क्या बनता है चाइना इंडिया ये जो चल रहा है, फ्यूचर में उनका प्रॉब्लम चल रहा है, जो वार सिस्टम चल रहा है, तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या बनता है। तो गाइस ये थी वीडियो, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आप जरूर बताना, चैनल पे आप से कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉचिंग पाकिस्तान।